आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स और ये है क्वांटम नंबर्स का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग करी है शॉर्ट ट्रिक देखी है कि किससे हम आसानी से एस पी डी एफ एन एल एम को याद कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा पहले तो। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि होता क्या है क्वांटम नंबर्स। तो एस पी डी एफ ये क्या है, ये है हमारे एल की वैल्यू। एस कब होगा, जब जीरो होगा। पी की कब, जब वन टू एंड थ्री, कि ये हमारा चलता रहेगा। एस की हमेशा आपको जीरो से स्टार्ट, एस की हमेशा हमारी जीरो से जीरो रहेगी। पी की हमेशा हमारी वन रहेगी। डी की टू एंड एफ की थ्री। और ये गलती होती है कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार एमसीक्यू होते हैं तो उसमें हम जीरो के बजाय वन से स्टार्ट कर देते हैं, एस की वैल्यू वन रख देते हैं, तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा किसे स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये था हमारा एल। एन क्या होता है, शेल। एल क्या होता है, सब शेल। ऑर्बिटल क्या होता है, हमारे रूम्स। और एम क्या होता है, हमारे रूम्स की नंबर प्लेट, जैसे रूम नंबर 121, रूम नंबर 21, इस टाइप से होता है हमारा एम। तो अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपको ऐसा गिवन हो कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एन 3 गिवन है, एल 0 गिवन है, एम भी 0 गिवन है, पहले ऐसे करते हैं। तो एन 3 है, एल 0 है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो कि आपकी एम की वैल्यू होगी वो हमेशा ही पहले आएगी, जो आपकी एम की वैल्यू होगी वो हमेशा ही पहले आएगी। और आपकी एल की वैल्यू 0 है, हमने क्या देखा, 0 कब होगी, जब हमारा एल क्या होगा, एस। यानी कि यहाँ पे 0 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एस। यहाँ पे एल है तो 3 एस। इसी तरह से एन 2 है, टी 2 है, सॉरी एल 2 है, लेकिन ये हमारा क्या है, रॉन्ग केस है। क्यों, क्योंकि कभी भी एल ना तो बड़ा हो सकता है ना ही इक्वल हो सकता है हमारा एल को। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल हमेशा छोटा रहेगा एन से, ना ही कभी इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास n हमारे पास 4 है, l हमारे पास 2 है, तो इस केस में हमारा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या बात कही, जो हमारी n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है हम उसको क्या रख देंगे, आगे हमने रख दी। उसके बाद l 2 कब, जैसे s p d f 2 कब होता है, जब d होता है, D की तो वैल्यू 2 होती है ना, तो D की वैल्यू 2 है तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे L की जगह क्या रख देंगे, 4D। L की जगह क्या रख देंगे, 4D। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये था हमारा दूसरा एग्जांपल। तीसरा है, N हमारे पास क्या है, 1। हम 5 ले लेते हैं, N की वैल्यू 5 है, और हम L ले लेते हैं 0। क्या एल ले लेते हैं 0। दूसरा एन इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे 3 है जो कि आपको करने हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 5 है, एल 0 है, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास एल लिखा है, सबसे पहले एन लिखा 5। एल क्या आता है, 0 तो कब होता है, एस, क्योंकि एस की वैल्यू 0 है, तो 5 एस। ये था फर्स्ट। दूसरा है एन 5 है, एल क्या है, 1। एन 5 सबसे पहले 5 आगे लिखेंगे, एल क्या है, 1। 1 कब होता है, ये लिखा है, तो यहाँ पे एल की जगह पी। तीसरा एन क्या है हमारा, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, अलग हो जाएगा थोड़ा। एन क्या है हमारा, 4। 4 है, अब एल क्या है, 3। अब ये छोटा है तो ये पॉसिबल है, तो एल 3 है। एल 3 कब होता है, एफ पे, तो क्या आ गया आंसर, 4 एफ।
ये थे हमारे 3 आंसर्स। ये होता है हमारा कैसे पेपर में हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये कंफ्यूजन होती है, एस को जीरो मान नहीं मानते हैं जबकि हम 1 मान लेते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को, एमसीक्यू में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब हमारे जो मतलब क्वांटम नंबर्स या फिर कहें एन एल एम, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मीन्स एल एन एम वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं, हमारा एन, एन रिप्रेजेंट करता है हमारी साइज ऑफ ऑर्बिटल, क्या साइज ऑफ ऑर्बिटल, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा एल, एल रिप्रेजेंट करता है हमारी शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है एल, ये शेप किसकी, एस पी डी एफ की, एस की अलग है, पी की भी अलग है, डी की अलग है, एफ की अलग है, तो ये हो गया हमारे 4। तो सबसे पहले एस के लिए अगर हम बात करें, एस की हमेशा शेप रहेगी स्फेरिकल, क्या स्फेरिकल, एस की शेप, एस की शेप होती है स्फेरिकल। दूसरा है हमारा पी, पी की शेप क्या होती है, डंबल, क्या डंबल, ये आपको याद रखने आपको हेल्प करेगी। पी के बाद हमारी आती है एस पी डी, डी की वैल्यू क्या होती है 2, इसको हम करेंगे डबल डंबल, पी की डंबल है, डी की डबल डंबल है। ये कुछ शेप के नाम है जो कि आप याद रखने हैं, ये थ्योरी टाइप से है। तो नेक्स्ट है हमारा एफ, एफ की शेप होती है हमारी जैसे एस की स्फेरिकल आ गई, डंबल डबल डंबल, लेकिन एफ जो है ये हमारे अभी इस टाइप से सिलेबस में इन द सेंस नहीं है, आपको एफ की जरूरत नहीं है, अगर आप ये 3 भी कर लें तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यही हो जाए तो बहुत अच्छी, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले एस की देखते हैं, एस क्या होता है 0, एक सेकेंड, हमारा एम जो है और हमारा एक एम है और क्या रह गया, एम तो हमें रिप्रेजेंट क्या करेगा, एम रिप्रेजेंट करेगा ओरिएंटेशन, क्या रिप्रेजेंट करेगा ओरिएंटेशन, और जो हमारा एस है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पिन, क्या रिप्रेजेंट करेगा स्पिन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि एस की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1/2 हो सकती है या फिर -1/2, क्योंकि किसी भी रूम के अंदर, किसी भी रूम के अंदर अगर ये हमारा एक रूम है तो इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो किसी भी उसके अंदर रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उस एक का स्पिन 1/2 होगा तो दूसरे का स्पिन -1/2 होगा, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। कभी भी ये अगर कई बार एस 0 दे दे तो वो हमें नहीं लेना है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप 0 को इंक्लूड करेंगे कि आप एक रूम में 3 ले लोगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट है, मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बना के देखते हैं कि किस टाइप से क्या क्या है। एस होता है 0, एम भी होता है 0, क्या बोलते हैं एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एस के लिए, एस की क्या शेप होती है, स्फेरिकल, ये थोड़ा सर्कल लगे लेकिन स्फेरिकल है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो 3D स्पेस होता है, 3-डायमेंशनल एरिया होता है, जहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कई हमारे एटम्स वगैरह हैं उनकी ढूंढने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 90 से 93% होती है, 90 से 93%, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह 100% प्रोबेबिलिटी हो, ये कभी नहीं हो सकता, 90 से 93% प्रोबेबिलिटी होती है। और बाहर के एरिया में क्या होता है, ये नोडल एरिया होता है जहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है या फिर कहें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 0 होते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा नोडल, जब हम करेंगे उसके अंदर ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ और कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे, एस की शेप, तो एस की शेप कर लेते हैं एक बार,
एस की शेप क्या है? स्फेरिकल। और ये क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैंने आपको पी करवाया था, पी के अंदर हमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे तीन रूम्स हैं, माइनस वन से प्लस वन, माइनस एल टू प्लस एल, ये हमारे क्या है? थ्री रूम्स। अब पी के थ्री रूम्स है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? पी एक्स, ए को पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये जरूरी नहीं है कि यही रूम हमारा पी एक्स होगा, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं है कि यही रूम होगा। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम, सबसे पहले पी एक्स लेते हैं, पी एक्स लेते हैं, ये पी एक्स, एक्स वाई प्लेन। तो हमारा पी एक्स कैसे होगा? ये एक टाइप से डंबल शेप होता है, तो ये रहा हमारा, ये हमारा पी एक्स। क्या? पी एक्स। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है सब 90 से 93, ये बहुत ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा क्या? पी एक्स का। पी वाई का ग्राफ लेंगे तो ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको वाई ले लें, तो हमारा डंबल कैसा बनेगा? ऐसा। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो भी कोई चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लेन तो ये है, तो ये भी ऐसा हो सकता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा? ये था पी वाई। अब पी जेड है, तो वो थ्री डायमेंशनल है। अब बोर्ड के अंदर तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह या फिर वाई की जगह हम जेड मान लेंगे। तो अगर ये हमारे प्लेन है, यहाँ पे मैं एक्स मान लूँ, यहाँ पे मैं जेड मान लूँ, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर ये वाला कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा वाई, जो कि बाहर आ रहा बोर्ड पे। तो ये क्या हो गया हमारा? जेड। तो ये था हमारा पी के लिए, ये था एस के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम, जो कि है एन, एन इज इक्वल टू टू पे। अब आगे जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक केस आया था कि जब हमारे जो रूम्स हैं वो कितने थे? पांच थे, 1 2 3 4 5। एक था पी एक्स वाई, दूसरा था पी वाई जेड, तीसरा पी जेड एक्स, पी जेड स्क्वेयर, पी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये था। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर ग्राफ आता है, या फिर कहें इनका अगर हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लो, जेड एक्सिस के लो, कैसे करेंगे? तो अगर मैं सबसे पहले पी एक्स वाई का ही करूं, तो आपने देखा था कि वो हमारा एक्सिस के ऊपर था, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस, किस एंगल पे? 45 डिग्री। ये पेपर में आ जाते हैं एमसीक्यू में कि अगर पी एक्स वाई है, पी वाई जेड प्लेन पे है, तो वो किस एंगल पे होगा? वो होगा हमेशा 45 पे। अगर इसका बनाए तो ये कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का। ये एक्स, ये पी वाई, ये एक्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा। और ये कौन सा है? अगर ये 90 है, तो ये कौन सा है हमारा? 45 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं पी जेड एक्स, ये सेम होगा, लेकिन अगर मैं पी वाई जेड कर लेता हूँ, तो ये भी सेम होगा। और अगर मैं यहाँ पे जेड एक्स बनाऊँ, ये एक्स, अगर मैं एक्स मान लूँ, ये क्या मान लूँ? एक्स, तो ये हमारा जेड एक्स के लिए बन जाएगा। अब बात अलग किस में आती है, ये तीनों तो हमारे सेम सेम से हैं, क्योंकि सेम है, बस यहाँ पे वाई जेड एक्स का क्या है? फर्क है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये हमारा एक ग्राफ है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये क्या हमारा? एक्स एक्सिस है, ये क्या एक्स एक्सिस है? तो अब हम बना रहे हैं इस वाले के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए कैसे बनेगा? इसमें हम एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, क्या? एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। डिफरेंस क्या आया? ये अलोंग था, ये हमारा उसके ऊपर है, तो इसमें क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब सबसे अलग सिर्फ एक का ही है, जो कि है पी जेड स्क्वायर का। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपको याद रखने है, ये पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा प्लेन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको लें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जब हमारे पास P था, यानी कि N क्या था? 1 था। अब N मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे हमारा D होगा, D x y,
यहाँ पे डी कर लीजिए, यहाँ पे डी होगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे, डी जेड स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर का सबसे अलग है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक तो अगर आप हमारा, ये हमारा कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये तो हमारा बन गया डंबल, क्या डंबल। अब इसका क्या है, इसमें रिंग्स आती है, क्या रिंग्स। ये क्या बन गया हमारा डी जेड स्क्वेयर, इसका डी जेड स्क्वेयर का, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब एस का बन गया, पी का भी बन गया, डी का भी बन गया। एफ का इंक्लूडेड नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि एस पी डी ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही पेपर में आते हैं। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया है, अगले पार्ट के लिए प्लीज़ वॉच आवर वीडियोस, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया तो जरूर देखिए। सब्सक्राइब टू चैनल इंग्लिश अचीवर्स।